जिला मथक पालनपुर खाते आबू रोड हाईवे पर नवीन ब्रिज की कामगिरी पगले वरसादी पानी भराई जवानी समस्या ने रोड पर ठेर ठेर खाड़ा पड़ता वाहन चालकों में उठी रहे फरियादों पगले तंत्र द्वारा नेशनल हाईवे ऑथोरिटी डिविजन सामे कलम 133 मुजब फरियाद दाखल कराता वरसादी पानी निकाल और रोड पर पड़ेला खाड़ा समारकाम माटे नेशनल हाईवे ऑथोरिटी डिविजन टीम दौड़ती थी गई है। आ वर्षे वरसाद आगमन साथ पालनपुर खाते आबूरोड हाईवे पर पानी भराई जता आ मार्ग पर पसार थता वाहनों अकस्मात भोग बनी रहा हो थोड़ा समय पहला हाईवे ने बंद करवानी फरज पड़ी थी। आ महत्वना हाईवे पर पड़ेला खाड़ा समारकाम करवा जिला तंत्र द्वारा वारंवार सूचनाओं अपाया बाद पण हाईवे ऑथोरिटी द्वारा खाड़ा पूरवामां बेदरकारी दाखवा साथे वरसादी पाणीना निकालमां पण लापरवाही दाखवाता पालनपुरना प्रांत अधिकारी पीसी दवे हाईवे ऑथोरिटी सामे सीआरपीसी कलम 133 मुजब फरियाद दाखल करी देता नेशनल हाईवे ऑथोरिटी डिविजन की ऊंघ उड़ी गई है। प्रांत अधिकारी कड़काई बाद हाईवे ऑथोरिटी द्वारा पालनपुर आबू हाईवे पर रोड की बंने साइडे वरसादी पाणीना निकाल माटे पाइपो नाखवानी कामगीरी हाथ धराई है। तेज रोड पर पड़ेला खाड़ाओनु पण समारकाम शुरू करायुं छे। पालनपुरना प्रांत अधिकारी पीसी दवेए बीके न्यूज चेनल साथेनी बातचीतमां जणाव्युं हतुं के पालनपुर आबू हाईवे पर वरसादी पाणीना निकाल अने रोड पर पड़ेला खाड़ाओनु समारकाम करवानी कामगीरी मोटा भागे पूरी थई गई छे जेथी हवे वाहन चालकोने पसार थवामां कोई ज मुश्केली नहीं पड़े। ताजेतरमां पालनपुरथी आबू तरफ जवाना हाईवे पर एनएच डिविजन रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंटनुं जे छे एमना द्वारा आरटीओ सर्कल पर खूब मोटो ब्रिज बनावामां आवी रह्यो छे। आ ब्रिज ने कारणे अने प्रवर्तमान चोमासानी सीजन ने कारणे भारे वरसाद थता त्यां वॉटर लॉगिंग अने रोड परना खाड़ा जेवी समस्याओ सर्जाई हती तेना माटे अमोए सत्वर तात्कालिक मीटिंगो करी स्थळ तपास करी माननीय कलेक्टर साहेबना अध्यक्ष स्थाने वारंवार मीटिंगो करी जे एनएच डिविजन छे रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंटनुं एमना सुप्रिटेन्डिंग एंजीनियर्स ने बोलावी अने एमना लेवले पण मीटिंग करी अने आ वॉटर लॉगिंग ना थाय अने खाड़ाओनुं पेचवर्क थाय अने लोकोने कोई हालाकी ना पड़े एटला माटे थई अने कामगीरी हाथ धरवामां आवेली हती जेमां केटलीक क्षतिओ सर्जाता अने सरळताथी झड़पथी काम थाय एना माटे थई अने क्रिमिनल प्रोसिजर कोडनी कलम 133 हेठळ मारे त्यां केस पण दाखल करवामां आवेलो हतो। आ सौ प्रयासोने कारणे हाल आरएनबी एनएच डिपार्टमेंट तरफथी 1200 mm डायामीटरवाळी बे पाइप ત્યાં દાખલ કરવામાં આવી છે રોડની બંને સાઈડે ટ્રેન્ચ કરવામાં આવી છે અને બને ત્યાં સુધી વોટર લોગિંગ ના થાય અને જે ખાડાઓ પડ્યા છે ત્યાં પણ પેચવર્કની કામગીરી 90% જેટલી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે।